ते लग वे सी छह महीने बाद पटी जी वंजनी है तो मेरे घर जी फाके हो सन जो ई हुकूमत को मैं वोट दीती बैठा ई पार्टी को मैं वोट दीती बैठा मैं तो हर जा दे उते आदा तोरे को भी मैं सवाल करें ना जेरे भी साहिबान इतना बैठे होता है मैं तोरे को सवाल करें ना इतना इलाके का कोई चोर वदा हो रात को तुसा पकड़ गेंदे हो तोरा पखा खोलेंदा पाए वो तारी गां छिकेंदा पाए तोरी बकरी चोरी करेंदा पाए तुसा उनको पकड़ के थाने ला आंदे हो सवेरे तो पता लगता है तुहारे यार उदे चार बंदे होंगे सिफारशी गए खड़न मैं तोरे को पूछता तुसा क्या समझे सो उन्हें चार बंदे को केरी नजर नाल देख सो जुल्म है ना जेरे उ चोर ते सिफारशी गए खड़े हो सन तो बीच जेरे वड़े चोर दे कट्ठे वधन उन्हें बारे में क्या ख्याल है जेरे वड़े चोर दे जिन्हें मुल्क को तबाह कीते जेरे उन्हें दे कट्ठे वधन थे और उन्हें दे उन्हें दी टिकट दे उत्ते लड़दे पैन इलेक्शन और आदन के जी असा ही जमात दे हैं और उन जमात दे हैं और ए है और वो है मेरे जरा हरीफ कैंडिडेट है अब्दुल कादर खान एक जादे उत्ते तकरीर की थी अस वो आके इसके जी 3.5 साल है जैसा ओ काम की थे जरे पिछले 70 साल है नहीं था 70 साल को ही तो तुसा मरदे खड़े आवे अगर नहीं वे कीते तो तुम्हारे उत्ते मलाम है अगर 3.5 साल दे बेच तो खान ने इतना ज्यादा फंड दिते पीछे रात दे अंधारे बेच उदी कंडे चुरा क्यों मारे हुए अगर ओ तो को तरक्की दे फंड दिते और पहले निभार दी तकरीर तो सा इमरान खान जरन हल्फ चाहते वजीर आजम दा चाह के डेग गेनो वो आके मेरी तवज्जो और मेरा फोकस उन्हें इलाके दे उते उसी जरे पसमानदा है ताकि मैं उन्हें को तरक्की याफ्ता जरे सारे इलाके उन्हें बराबर गिना वा ताकि लोगों को वह सहूलियात मुयसर हो मैं तुरा क्या करना माए फंड पीटीआई को लो तरक्याती मनसूबे पीटीआई को लो मुखालफत तुसा पीटीआई दी करन दे पयो कि जी मैं घन के आया असाए घन के आया ये चीजा असाए घन के आए कतर नहीं घन के आए ए पार्टी ने इन्हें को ये फंड दिता कि अपने हलके दे अवाम दी खातर इमरान खान दे विजन देता है हमेशा ही में था जनरल वड़े सरदार साहब वालद साहब असेंबली दे बैठन उन वेले ई फाइला वड़े सरदार साहब को देने ए तोरा हाई स्कूल इता यारू दा वड़े सरदार साहब दा दिता होए जरा सा सारे बारे विच आदन अवाम दे विच बाहर पंजाब दे इडे उडे अवाम दे विच है कि जी सरदार साहिबान जे रहन ओ अपने इलाके दे विच तालीम नहीं थी वणने दे बलोच सरदार दे बारे विच सारे बलोचिस्तान दे सरदार दे बारे विच सारे बारे विच इहो लोग इंप्रेशन रखे ने यारू छाबरी कोट मुबारक शाह सदरदीन पीर आदल देखो कितने हाई स्कूल बने हुए हर यूनियन काउंसिल दे अंदर अज अगर तोरे बाल उतो पढ़े लिखे खड़न इन्हें दी काविश है इन्हें दी मेहनत है ए तो बस सिले दी ट्राली जाती वतन आओ तो को असा नालियां बना रहे आओ तो को असा गलियां बना रहे ने भावे मुल्क दा बेड़ा गर्क थिया वने सरदार साहब आज इथई मेरे नाल खड़ के आखे बनी पे अपनी उना दे खास उना दे आज आज मेरे नाल आके दे नाल पई वे से ठीक आज मेरे नाल आके इथई खड़े थी वंजन सरदार अमजद खान इथई खड़े थी वंजन और हल्फन आखन जा हल्फी बयान दे के आन इलेक्शन कमीशन च अपनी सीट बचावन दी खातर हुन जेरे वेले ए हुकूमती उथल पुथल थाए उता हल्फी बयान मान दिते ने जे मैं पीटीआई च खड़ा थिया पोतर नून च आ पीटीआई च हल्फी बयान दे के आए आज इतना ही मेरे नाल आन खड़ा थी वे राखे मैं हल्फा ना दा पैं जो नवाज शबाज शरीफ ने चोरी नहीं की थी मैं 10 बरदार थिया वैसा तुसा क्यों चोरे ने नाल खड़े तुसा क्यों मुल्क जिन्हें मुल्क को बेदर्दी नाल लुटिया उन्हें डकैटे ने नाल खड़े हो उन जमात ने उन जमात दे सरबरान ओ हुण तक उता बैठे हुण तुसा वला मैं मिसाल देना तो आकू तुहाड़े इलाके दा एक चोर है सवेरे उठो तो आकू पता लगे थाने कोट मुबारक है जूंदा बिराज एसएचओ लागे राज गए हो पीछे तुसा पीछे पकड़ दिखाए उनको ओ वड़ा चोर लंदन बैठे बिरा हुंदा जरा वो वजीर आजम भतरीजा हुंदा जरा है वो वजीर आला हुण उनको पकड़ दिखा लो जेरे वेले इथो गए हस्पताल है दाखिल आई रोज दा आदन वैसे शाम को मर पोसी को छोड़ वो शाम दिन ही आदन से सवेरे तक ना छुट्टा है मर वैसी वो खैर हमदर्दी देता है खान साहब ने उनको इजाजत दे नहीं थी कि भाई बाहर बन इलाज करवावे जेरे वेले इतना ही मेरी सेहत आई जेरे वेले उतना गए थे जो आंधी सेहत दा थी गया तो पहल खाना ऐश करें दे बदन कोई पुछड़ आला इन्हें को कोई नहीं कि भाई तुसा मुल्क का क्या हशर करके गए और कल मैं रात को लेट ही में घर बैठे तो खबर ही में दे दे पैसे जो भी क्या था
एक जगह दुख्तर नेक अख्तर फरमेंदी पई है कि पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी है मियाँ साहब खून के आंसू रो रहे हैं, वह खून दे हंजू दा सर होने बैठे हैं खून दे हंजू दा सारे कढ़वाई खड़े हो एक गरीब आदमी दे जैसे घर दे चूल्हा नहीं वह तो लंदन की फिजाए च ऐश करना पे खून के आंसू रो रहा है मुनाफकत देखो इन्हें दी आ और दूजे डाकू जरे सिंध च बैठे था जे सरदार साहब जरे शिव पानी का आखे जो सारे को 60 साल 70 साल थी गए कहीं ये नहर बंद नहीं थी अज बंद थी पई है वो क्योंकि सिंध डाकू जरे एक रोज टेलीफोन करके आदन सारा पानी घट थे अस तारी हुकूमत छ देसू खान इया कुर्बानी खान ने दी जो इन्हे को ब्लैकमेल नहीं थे वो कुर्सी छोड़ दीती है लेकिन खुददारी का सौदा नहीं किया और वो मुल्क को भी खुददार बनावन चाहता पाया वो आखे अस हाकिम और महकूम का रिश्ता कहीं भी कबूल ना करे सू बराबरी के रिश्ते उत्ते सर ना ला के बहो अस तुरे नाल गाल करे सू एटमी मुल्क है तोरा फकर नाल सारे मुसलमान ममालिक अखबारों के उन्हें सदूर वजीर आजम के बयान पढ़ते हो सो जो अस पाकिस्तान को फकर नाल ले दें तो तुसा पिनने मन के तुसा जा जा तो पिनड़ शुरू कर दीते साकू कुछ इमदाद दियो नक बोड़ के रख दीते तुसा पाकिस्तान का ये हफ्ता पहले सऊदी वली अहद का बयान आया बस करो यार इतना जो रोज हर हफ्ते तुसा पिनड़ पहुंच वेंदे हो और उतना ही अपने घर ये असा तुसा शायद ये समझेंदे हो कि डी जी खान के इलेक्शन नाल क्या फर्क पौना एक सूबाई असेंबली के इलेक्शन नाल क्या फर्क पौना सिमत तय करनी है असा अपनी सियासत की सिमत पाकिस्तान केड़ी नहज से वेंदा पे केड़े रुख वेंदा पे 70-72 साल तो भोग के दिन से सारी गलतियां हन कोताहियां हन भोग के दिन से हुण कम से कम कोई ना कोई बंदा मैं अगले दिवार चक जरवार इवें वल्ले आंदे आसे दोस्तों को मिलके अठड़ा बाल हन छोटे जिवें ए बाल खड़े थे इंदी उम्र में 8-9 साल के बाल हैं एक कुटंगा टोली की वे और साकू अस इवें सड़क तो जो टपते पे तो अठे चो इवें तेज तेज कदम चाती आंदे हैं तो इवें एक जरागो बाल आई इवें इशारा करना पे रोकण का इमरान खान गाड़ी चलेंदा पे मैं यार मठा कर गाड़ी रोक मैं शीशा लहाए मैं उन्हें करो हाँ बालो क्या है इवें चाहे कुटंगा टोली की वे आदन नवाज शरीफ तो इवें चाटा मार जिंदाबाद 7-8-9 साल दे बाले को शऊर आ गए असा चिट्टी डाली आरे को शऊर नहीं आया क्या बात है उन्हें को पता है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क दे नाल क्या कीता साकू नहीं समझ आंदी क्यों ये मुल्क दे नाल क्या कर गए आज कलो 50 साल बाद 60 साल बाद 70 साल दे बाद तोरे विचो पता नहीं सारे विचो सारे विचो अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी दी है अल्लाह ताला सेहत दी जिंदगी देवे पता नहीं सारे विचों कोई जींदा है या नहीं याद करे सो के इमरान खान ई कौम को जगा गया है ई कौम को शऊर दे गया है याद करे सो के एक ऐसा लीडर है कि आज दे बाल जे रहन अल्लाह ताला ने दी हयात देवे ए कल कोई ने वड़ा थी बने याद करे सर कि सारा कुछ इन्हें को इमरान सिखा गए 16 परचे इमरान खान दे उते हुण एडू महीने दी हुकूमत दे विच 16 परचे तां एक परचा रह गया सिर्फ मैं पिछो भी गाल की थी मैं एक परचा उन्हें तो नहीं दिता फाशी का वो सारे को नंगा कर खड़ा है इया परचा दे मैंने उदे उते हुण कई फाशी की थी सा को सारे को नंगा कर खड़ा है हुण जित्था वेंदे चोर चोर दे नारे लगदे ने इन्हें दे उते लेकिन हुकूमत ते ओ बेदीद थी के बैठे खड़न जिवें सरदार साहब बंदे सरदार साहब ने आखे वो शेर को शर्म नाल मर पव्या जो ये चोर मेरा निशान चाहती और आदन के हम मुल्क की खिदमत कर रहे हैं तो खिदमत ए है कि चाह तुसा घटाओ रोटी तुसा घटाओ असा जहाज ते वधे रहे इया तोरे नाल गुजारिश है वक्त हुण बहु ई मुल्क दा असा सत्यानाश कर चुके हैं हुण मुल्क कुछ मैं को नहीं पता कई था सारे पीटीआई दे वोटर बैठे या कौन बैठे लेकिन मेरी इल्तिजा इया है अगर तुसा मुल्क दे बारे में सोचे सो 2 मिनट की खातर निकल आओ अपने जाती मफादात को निकल आओ अपने जाती जेड़े को महाराज जनाब तुफैल खान जेड़ा है तुफैल खान उड़े खड़े मैं ही देखना महाराज अब्दुरहमान खान जेड़ा है अब्दुरहमान खान दे नाल खड़े थे मैं ही देखना निकल आओ इन चीजें को दादा आदम पहला कतल दादा आदम दे पुत्र ने किया कतल रुक गए जेड़े रुक गए
जेड़े मिट्टी वेंदन सुला थी भी वेंदी है नवे जेड़े थी पौंदन ये चलते रहे वैसन जेड़े दिमाग दी दुनिया कायम है ये चलते रह गए जेड़े तक दुनिया खत्म थी सी ये चलते रहे वैसन लेकिन मैं भला यह गाल करें था पहले जो अल्लाह ताला माफी देवे अल्लाह ताला माफी देवे सारे मुल्क को नुकसान थी गया ये मुल्क नहीं में बचना वापस अगर गुलामी ही करनी है तो पीछे वंजो कराची पूछो उन्दे कोलो जरा कराची दे विच मदफन है वंजो उन्दे कोलो पूछो कायदे आजम कोलो क्यों आजादी दिवाई हसा को ठीक खड़े आसे अपने हमसाए दे नाल असा उन्हें दी जुतिया पालिश करंदे रह वंजो राम राम करंदे रह वंजो साकू अगर आजादी दिवाई है और आजाद मुल्क की थी है तो पीछे अज जरे हाथ च बेड़िया लग हथकड़िया लगिया खड़न ये अवाम ने त्रोड़ने ये हुक्मरान तो चांदन के हथकड़िया लग्या रहे वन कि इन्हें भी कुर्सी सलामत रहे वन जिम्मे खान साहब ने आके बूट पालशिए जरे बदन था जरा बूट दे देने को पालिश करना शुरू कर देना खान साहब को कैदी सजा मिली है इन चीज़ दी जो जुकर तू इनकार कर रहे थे ये तैयार खड़े अन्य कहीं को कटो सारे को जेरी खिदमत गिननी है गिनो इन सोच के नाल अगर तुसा 17 तारीख को पोलिंग बूथ दे उत्ते वैसो ते तुहारी मोहर यकीनन बल्ले दे उत्ते लगनी है इंशाल्लाह यकीनन तुहारी मोहर बल्ले दे उत्ते लगनी है अगर तुसा मुल्क बचावण दी सोच नाल वैसो अगर तुसा नाली गली दी सियासत च वैसो अगर नाली गली दी सोच गिन के वैसो अगर नलके लवावण दी सोच गिन के वैसो पीछे जाहिर है शेर ते तुसा मोहर मारनी है पीछे तुहारा ही अल्लाह हाफिज है मुल्क दा ही अल्लाह हाफिज इन्हें कलमात रल मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना तुसा सारे इंतजार भी किए ये मौसम गर्मी थोड़ी अल्लाह ताला ने हवा तो चला दी है अल्लाह ताला मौसम बेहतर करे इंशाल्लाह ताला में मुलाकात थी नहीं रहे वैसे गालियां गाली भी थी ना बड़ी मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम